हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं जा रही हूँ अभी हमारे उत्तराखंड के जितने भी यहाँ पे लोग हैं उन मतलब एक ग्रुप बना रखा है। तो हर साल हम लोग दिसंबर में एक प्रोग्राम करते हैं पछाण करके, तो उसकी मीटिंग है आज। तो मैं जा रही हूँ, यही मेरे घर के पीछे रावत कॉलेज है, वहाँ है, तो वहाँ जा रही हूँ और वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या होता है आज और कब है पछाण और क्या क्या होने वाला है। तो चलिए। तो ये है हमारी गढ़वाली, है ना? हाँ जी, गढ़वाली है। इनका नाम है बीना पंत जी। बिल्कुल, नमस्कार। तो आप यहाँ पे किस पद पे हैं अभी? मैं राजस्थान उत्तराखंड सभा में राजस्थान प्रदेश की तरफ से महिला प्रकोष्ठ में महासचिव। हाँ, तो इनसे मेरी मुलाकात पहले भी हो चुकी है, होली के टाइम पे आई थिंक, है ना? तो बहुत अच्छी है ये, इनका स्वभाव हंसमुख बहुत अच्छी है। तो चलिए अभी आपको सभी लोगों से मिलाएंगे, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये है हमारे आनंद पांडे जी, जो कि पछाण प्रोग्राम का जो जितना भी भार है इनके सर पे है वो। तो बताइए आनंद पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे ब्लॉग के लिए? नमस्कार, मैं नेहा जोशी के ब्लॉग पे आज हूँ। आपका सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि नेहा जी ने बताया कि पछाण कार्यक्रम, जो पछाण कर्मभूमि में जन्मभूमि की एक पछाण, एक छाप छोड़ने के लिए, पहचान कराने के लिए एक कार्यक्रम किया जाता है, वो कार्यक्रम होने वाला है जल्दी ही जयपुर में। और आप सभी को भी आमंत्रित करते हैं, नेहा जोशी जी भी उसमें मुख्य रूप से सक्रिय हैं और अपना गायन से, अपनी संस्कृति से रूबरू कराएगी सभी उन लोगों को जो हमारे प्रदेश में रहने वाले भाई बहन हैं उनको भी। और आप भी आइए, नेहा जोशी के साथ जुड़िए, नेहा जोशी भी हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद। थैंक यू। प्रदेश सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भूमि का एक ऐसा बृहद पछाण कार्यक्रम होने जा रहा है। तुमेव माता चो पिता तुमेव, तुमेव बंधु चो सखा तुमेव, तुमेव दर्पणं मम देव मंदिरेव। तो ये सर्व इष्टों का, पितरों का और अपने देवों का गुणगान करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए समर्पित होते हैं। राजस्थान उत्तराखंड सभा का ये आज पछाण कार्यक्रम का विशाल रूप में एक मीटिंग का आयोजन होने जा रहा है। इसमें आप सभी जने शामिल हुए हैं, मुख्य रूप से मुख्य पदाधिकारियों के साथ। मैं आप सभी का हृदय से आभार। हेलो, नमस्ते। पहला, मैं हूँ नेहा जोशी अवस्थी और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि राजस्थान उत्तराखंड सभा द्वारा आयोजित हमारा उत्तराखंडी कार्यक्रम पछाण होने जा रहा है, जो कि 25 दिसंबर 2022 को होने वाला है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, जितने भी हमारे जयपुर में उत्तराखंडी भाई बहन रहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर हमारे प्रोग्राम को सफल बनाने का एक छोटा सा प्रयास करें। धन्यवाद। आवाज में वो दम न लगना भाई, जब हमारे प्रोग्राम में दिखाई जब हमारे आवाज में पछाणो दम ना आलो, जब पछाण कार्यक्रम कैसे दम आलो बताओ, है ना? चार साल है ना। तो हम हैं सबसे पहली, मैं निवेदन करता हूँ हरीश भाई जी, एक क्योंकि इसके बारे में ही चर्चा करनी है और इसका इनोग्रेशन भी अभी करेंगे क्योंकि सबके हाथ में चले जाएगा, तो आप भी एक बार वो कर लेंगे। आधा उनको दे दो। ये जन्मभूमि है, ये कर्मभूमि है, क्योंकि हम राजस्थान की धरती में ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं और राजस्थान को पीछे रख करके कार्यक्रम कर नहीं सकते और अपने मातृभूमि को ही आगे रखें। सर्वप्रथम आमंत्रित उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक कलाकार, क्योंकि कई काफ़ी सारे कलाकारों से बात हुई थी, दो दिन का कार्यक्रम करने जा रहे थे और वो दो दिनों का कार्यक्रम एक दिन में कन्वर्ट हुआ। तो उसके बाद में हमारे बीच में मुख्य रूप से चार कलाकार बाहर से आएंगे, वो आमंत्रित हैं। उसके बाद में आप नीचे की लाइन में देख रहे हैं भगवत मंडरालकर के, जो कि बाहर से जो नृत्य टीम लेकर आएगा वो इसका निर्देशक है। दूसरे नंबर पर कला खोलिया, जो कि आपकी सांस्कृतिक मंत्री भी हैं, और राजस्थान प्रदेश के जितने भी कार्यक्रम आएंगे, नृत्य नाटिका वगैरह आएंगे, उनका कोरियोग्राफर करेंगी और पूर्ण रूप से उनकी देखभाल करेंगी, देखेंगी। गोदावरी कांडपाल जी, जो हमारे बीच में लोक गायिका हैं, ये अपनी गायिका से कार्यक्रम में अपना रूप दिखाएंगी, रंग दिखाएंगी और अपने गीत से हमें लाभान्वित करेंगी। और दीपा बोहरा जी, ये आपके बीच में आपने सुना है, विक्रम भंडारी जो कि राजस्थान प्रदेश के महासचिव सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हैं, और नेहा जोशी जी,
हमारे बीच में बैठी है। ये बहुत कम आ पाती है, मैं इनका इंट्रोडक्शन भी करा दूं क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। नेहा जोशी जी आप अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। 10 बजे से 12 बजे स्टार्ट होगी, आपको देख रहे हैं फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट प्रोग्राम, क्योंकि आपने ये मार्केट में सबको बताना है, सबको एक एक पदाधिकारी सभा है और उसकी जिम्मेदारी है। ये केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। लिखा भी है ये पहचान न म्यार चो न तुमर चो, ये पहचान न हमर चो न तुमर चो, ये हम सभी पहचान, पहचान हम सभी, ये हमने अपनी पहचान बनानी है और पहचान देनी भी है। तो मैं इस कार्यक्रम के सफलता की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है इसमें जोश मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सम्मान्य सदस्यों को पहले से नमस्कार है और दिवाली की शुभकामनाएं। हम अभी जिन लोगों से पहली बार मिल रहे हैं और ये प्रोग्राम जो 25 दिसंबर को हमने डिसाइड किया है उसका आगाज आज हो चुका है। पहले से हम कर चुके थे पर आज हमने पूरा उसका पोस्टर विमोचन वगैरह सब करना है और आप लोगों के छोटे छोटे प्रयासों से इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। मेरा कहना यही है कि सब जितने भी कॉन्टेक्ट में हैं सभी लोग अपने से जोड़ते जाओ, छोटे छोटे एक ईंट के बराबर, भवन निर्माण में एक ईंट की भी बहुत भूमिका होती है, तो उस तरह से हमें प्रयास करने हैं। बाकी आप सब लोगों का सफल प्रयास के लिए धन्यवाद, आप लोग करोगे ये बहुत, मैं आपको बधाई भी देती हूँ और शुभकामना में कि ये प्रयास सफल होना चाहिए। धन्यवाद। तो अभी हमारे जो भी पोस्टर बने हुए हैं पहचान के, उसके साथ फोटो ली जा रही है, मेरी फोटो हो गई है, तो ये देखिए सब पहचान का पोस्टर लेके अपनी अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं और उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म होगा और थोड़ा बहुत नाश्ता है वो हम करके अपने अपने घर जाएंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे आ गया है नाश्ता, क्या है नाश्ते में दिखाते हैं आपको, ये देखिए समोसे एंड लड्डू, जोधपुर वाले देसी। तो मैं घर आ गई हूँ और काफ़ी अच्छा लगा अपने लोगों से मिलके, पहाड़ी लोगों से मिलके, और जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि पहचान होने वाला है हमारा 25 दिसंबर को। तो जितने भी लोग जयपुर में मेरे पहाड़ी लोग ये देख रहे हैं वीडियो, अधिक से अधिक संख्या में आइए, देखिए हमारी संस्कृति से जुड़िए, और जो पहाड़ी नहीं भी हैं जयपुर के हैं तो वो लोग भी आइए, वो भी हमारी संस्कृति देखिए कि क्या क्या होता है हमारी संस्कृति में। बहुत चीज़ें वहाँ पे होंगी, पहाड़ी खाने का स्टॉल लगेगा, हमारी जो आभूषण है पहाड़ी पारंपरिक वो भी आपको देखने को मिलेगा और आप खरीद भी सकते हैं, और खाद्य सामग्री जो भी हमारा खाने पीने का जो भी उत्तराखंडी जो सामान है वो वहाँ पर मिलेगा, तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, हमारे पहाड़ी गाने पहाड़ी कल्चर से जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। तो आइए और खूब इन्जॉय कीजिए। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।